Good morning, guys. Good morning. A very, very good morning, you all. Welcome, welcome to IPS Aptitude. Very, very good morning, Akanksha, Sulagna, Suprakash, Shalu, Banu, Shadow, Kanjan. A very, very good morning. So, session में फटाफट से आप लोग जुड़ जाओ और session को और भी ज़्यादा share करो जिससे और भी आपके दोस्त friends वगैरह यहाँ पे जुड़ सकें. ठीक है, तो मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है, एक बार मुझे कंफर्म करना, एम आई ऑडिबल क्लियरली? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार मुझे कंफर्म करिए. तो सेशन को और भी ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पे जुड़ जाएं. सेशन का मज़ा तभी आता है जब जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं एक जगह पर. तो फिर आज से हम लोग यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा, एट लास्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले वो क्वेश्चंस जिनके बेसिक चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पहले की प्रीवियस क्लासेस में आपको बता रखे हैं, उन्हीं के ऊपर बेस हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं. एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, ठीक है. चलिए, तो इस सीरीज को, इस क्वेश्चन सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं. तो इस पूरे वीक हम यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें एक से एक अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले. तो देखो, एप्टीट्यूड में, मैथमेटिकल पार्ट में खासकर मैं बात करूँ तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. बेसिक कॉन्सेप्ट आपने एक बार जान लिया, उसके बाद आपके ऊपर है कि भाई आप कितनी प्रैक्टिस की करते हो. ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट किया जाए. बताइए फटाफट से, बताइए रेडी, आर यू रेडी गाइस? लिख दीजिए यहाँ पे रेडी, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं. हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कुछ समय मिलेगा, टाइम मिलेगा, और उसके बाद आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए या तो पोल में. ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हैं, या तो पोल में आंसर करें या कमेंट सेक्शन में, और उसके बाद हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाऊंगा अच्छे. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. रेडी? रेडी, ओके, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, ये है भाई एज बेस्ड क्वेश्चन. एज बेस्ड कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं. गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग. ओके, तो यू कैन स्टार्ट. आपको मैं देता हूँ भाई 2 मिनट का समय, या 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन. तो अप्लाई योर ब्रेन. देखो, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं. तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि भाई या तो आप उसको एक बेसिक मेथड से करते हो, या थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्रिक से करते हो, लॉजिकली सॉल्व करते हो, या उसको ऑप्शनल मेथड से करते हो. ठीक है, इट्स अप टू यू. तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है सीएसआर नेट के अंदर, तो 15 क्वेश्चन के अंदर भी मान लेता हूं कि आप भाई 10 से 12 क्वेश्चन करके आ रहे हो. दैट इज अ गुड स्कोर, वेरी गुड स्कोर फॉर पार्ट ए, स्पेशली फॉर लाइफ साइंस स्टूडेंट. अगर मैं बताऊँ तो पार्ट ए में 10 से 12 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा. तो यानी कि आपके जो मार्क्स है 20 से 22 24 अगर बन रहे हैं इसमें, तो यानी कि आपने काफ़ी कुछ यहाँ पे अचीव कर लिया है. ठीक है, क्योंकि यही एक चीज़ है
पार्ट ए में थोड़ा सा आप लोग लैग कर जाते हो कभी कभी, बहुत से स्टूडेंट्स से मैं बात करता हूँ तो भाई पार्ट ए में बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कम अटेम्प्ट करके आते हैं, उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करते हैं, लेकिन इसमें कम समय देके 10 क्वेश्चन आसानी से निकाले जा सकते हैं। इसका आपका जो प्रूफ है, इस बार जो हमारा जून में पेपर हुआ है, इस बार प्रूफ हो चुका है कि 10 क्वेश्चन आप इजीली उसको कर सकते हैं विदाउट गिविंग मच टाइम। ऑप्शन नंबर टू, ओके चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। और बताइए भाई, सभी लोग बताएं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके नाउ कह रहे द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 पर्सन्स इन प्रपोर्शंस 4:7:9, यानी कि 3 लोग हैं, उनका एज का रेशियो दैट इज गिवन 4:7:9। 8 ईयर एगो द सम ऑफ देयर एज वॉज 56, यानी कि 8 साल पहले की अगर बात करूं तो उनकी एज का जो सम है दैट इज 56 ईयर्स। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, वी हैव टू फाइंड देयर प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि एजेस वाले क्वेश्चन में रेशियो कभी भी चल के पास्ट या फ्यूचर में नहीं जा सकता, हमको रेशियो के पास आना पड़ता। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे कि मैं बात करता हूं भाई 3 पर्सन, देयर आर 3 पर्सन, उनकी एज का सम प्रेजेंट एज का सम हमको दे रखा है दैट इज 56 ईयर। अगर मैं बात करूं भाई इनका एज का सम 8 साल पहले, 8 साल पहले का जो इनका सम है वो कितना हो जाएगा, अगर मैं इतना पूछूं तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे भाई देर आर 3 पर्सन, 3 पर्सन है, सबकी एज 8 साल पहले 8 साल कम होगी कि नहीं? सबकी एज 8 साल पहले 8 साल कम होगी, यानी कि देर आर 3 पर्सन, 8 × 3 यानी कि 24 ईयर्स, यानी कि कुल मिला के इनकी एज का सम कितना बचा, केवल 32। इनकी एज का सम बचा 32, क्योंकि सब लोग, तीनों लोग 8-8 साल छोटे होंगे। अब इनके एज का रेशियो दैट इज 4:7:9, इसका अगर मैं सम पूछूं तो आप बोलोगे 7+4 11+9 यानी कि 20, यानी कि 20 का मतलब 32 है। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यहां से आप इनकी एज निकालो। क्या कह रहा है, 8 ईयर एगो, अच्छा सॉरी ये 8 साल पहले की बात कर रहा है, मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया, जस्ट अ सेकंड, मैंने यहाँ पे इसकी प्रेजेंट एज ले लिया, जस्ट अ सेकंड, ये है हमारी एज बिफोर एट ईयर्स। ठीक है, और ये जो एज है हमारी, दिस इज आफ्टर 8 ईयर, दिस इज अवर प्रेजेंट एज। इस बात का ध्यान देना है कि भाई जब भी मैं एज को प्रेजेंट या पास में ले जाता हूँ तो एज का सम जाएगा प्रेजेंट या पास में, कभी भी हम रेशियो को नहीं ले जा सकते। तो मैंने क्या करना भाई, मैंने यहाँ पे प्लस करना, क्योंकि तो हमने, मैंने क्वेश्चन को उल्टा पढ़ लिया, दिस विल बी 80, राइट, दिस विल बी 80, तो 20 विल बी इक्विवेलेंट टू 80, वैसे कर सकते हो 20 विल बी इक्विवेलेंट टू 80, 1 विल बी इक्विवेलेंट टू 80 बाई 20, लाइक दिस। We have to find the ages. 4 का वैल्यू क्या होगा भाई, द वैल्यू ऑफ 4 विल बी इंटू 4, दिस विल बी 16। अब जरा आप ध्यान से देखो भाई, 16 वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, एक ही तो दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 16, 28 एंड 36। थोड़ा सा इसका आपको स्मार्ट वर्क करना, हाँ प्लस करना है वो, क्योंकि यहाँ पे हमसे प्रेजेंट की एज, हमसे उनका रेशियो दे रखा है और हमको पास्ट की एज यहाँ पे दे रखी है उसका सम, तो दिस विल बी द एज 60 ईयर्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गई होगी बात, और सभी लोगों ने आंसर एकदम ठीक दिया है, ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल, दिस इज सीरीज फॉर दिसंबर 2023, वी आर टारगेटिंग फॉर नेक्स्ट ईयर सर, दैट इज ऑन दिसंबर 2023। सो प्रैक्टिस में लग जाइए भाई अभी से, अगले क्वेश्चन पे चलें। बताइए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्लियर हो गया। ओके चलिए अगला सवाल। टेक योर टाइम एंड टेल मी द राइट आंसर। बताइए भाई एनीवन। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ओके सभी आंसर आ गए एक साथ। जरा थोड़ा सा सोचिए हमसे क्या पूछा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट फर्स्ट रूम में कितने स्टूडेंट हैं हमसे देखो। There are two examinations room 1 and 2. If 10 students are sent from 1 to 2, then the number of students in each room is 6. There are two examination room 1 and 2. If 10 students go first class to second class, if I send them to 10 students, then the number of students in both classes is equal. Let's say number of students in first class is X and second class is Y. सबसे सेफ मेथड ये कि एक्स और वाई मान लेता हूं। अब कह रहा है भाई 10 स्टूडेंट को अगर मैं फर्स्ट से सेकंड में भेज देता हूं, फर्स्ट क्लास से अगर 10 स्टूडेंट चले गए तो 10 स्टूडेंट कम हो जाएंगे और सेकंड क्लास में 10 स्टूडेंट बढ़ जाएंगे। ऐसा करने पे दोनों क्लास में जो संख्या है स्टूडेंट्स की बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 कह रहे हैं। ओके लेट्स सी नाउ। एक तरह से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक क्वेश्चन राइट। अब कह रहा है इफ 20 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम सेकंड टू वन देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेकंड। अब कह रहा है भाई अगर 20 कैंडिडेट को सेकंड से फर्स्ट में भेज देता हूं यानी कि सेकंड में 20 कम हो गए और यहां पे 20 ज्यादा हो गए। ऐसा करने पे क्या होगा देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेकंड यानी कि फर्स्ट में जो स्टूडेंट हुए होंगे दैट विल बी 2 times the number of students that are in second. Simple सी एक यहाँ पे हमारी दो equations बन गई हैं। इसको हमें solve करना है तो आसानी से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है? चलिए। Now, how can we solve these questions? These equations, we can write it as x minus y is equal to 20, and this will be x plus 20, 2y minus x माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स। ठीक है ये दो इक्वेशन हैं तो यहां से x और y का हम वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमसे पूछा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम वन यानी कि वन रूम का जो स्टूडेंट है वो कितने हैं। तो देखो भाई यानी एक तरह से x का वैल्यू पूछ रहा है। देखो x का वैल्यू निकालने के लिए हमको y का वैल्यू एलिमिनेट करना पड़ेगा तो विद द हेल्प ऑफ द एलिमिनेशन मेथड हम क्या करें फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई करो दिस विल बी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक है दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब लेट्स चेंज द साइन प्लस है तो माइनस है तो प्लस माइनस है तो प्लस
तो ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, तो हमारे पास बचेगा x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 100. तो दिस विल बी द आंसर, यानी कि 100, देर विल बी 100 स्टूडेंट्स इन क्लास नंबर 1. हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज दिनेश सिंह. हाँ बिल्कुल, आप पढ़ सकते हो एप्टीट्यूड के लिए. हमारे जो बैचेस हैं वो भी केवल एप्टीट्यूड के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप ifsonline.com पे जाके आप चेक आउट कर सकते हो. तो बाकी हमारा यूट्यूब का क्लास यहाँ पे डेली रहता है ऑन एप्टीट्यूड चैनल, ऑप्शन नंबर 3 टाइप. तो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई क्वेश्चंस की जो इन डेप्थ नॉलेज है वो आपको ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि लॉजिकल अप्रोच हर क्वेश्चन में नहीं लग पाती है. लॉजिकल अप्रोच हर क्वेश्चन में नहीं लगेगी जहाँ पे मैथमेटिक्स है. तो ऑप्शनल मेथड, लॉजिकल अप्रोच आने चाहिए. वो कभी कभी क्वेश्चंस को इजीली आपको विद इन टाइम, यानी कि टाइम के अंदर वो बना के दे देती है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको इन डेप्थ नॉलेज काम आती है, तो उसके लिए आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए. इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करिए, वो तब पता लगेगा कि किस क्वेश्चन में ऑप्शनल मेथड लगाना चाहिए और किस क्वेश्चन में आपको उसको पूरी तरह से सॉल्व करना ही पड़ेगा. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे चलते हैं. चलिए, टेक योर टाइम. अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा मुझे बताएं. ऑप्शन 4, ओके. चलिए क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए. क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अ मैन हैज रुपीज 480 इन द डेनोमिनेशंस ऑफ रुपीज 1 रुपी नोट, 5 रुपी नोट एंड 10 रुपी नोट. ठीक है, तो एक आदमी के पास 480 रुपए हैं और उसमें केवल तीन तरह के नोट है, या तो 1 रुपए का नोट है उसके पास, या 5 रुपए के नोट है, या 10 रुपए के नोट वो रखता है. The number of notes of each denomination is equal. अब ये कह रहा है कि भाई 1 रुपए का, 5 रुपए का और 10 रुपए के जो नोटों की संख्या है वो बराबर है. फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 रुपए के, 1 रुपए का नोट अगर 10 है, तो ऐसे ही 5 रुपए के नोट भी 10 है और 10 रुपए के नोट भी 10 है. इस तरह से कह रहा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स दैट ही हैज, नंबर ऑफ नोट्स मुझको बताने. देखो, इसे करने के दो तरीके हैं, या तो एक ऑप्शनल मेथड आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, या एक नॉर्मल मेथड है वो भी आसान. क्या कर सकते हैं, लेट्स से
भाई हमसे कह रहा है कि जो नंबर ऑफ नोट्स है, यानी कि नोटों की जो संख्या है, तीनों के तीनों तरह के जो नोट्स हैं उनकी संख्या बराबर है। तो मैं मान लेता हूँ देर इज एक्स नंबर ऑफ 1 रुपी नोट, एक्स नंबर ऑफ 5 रुपी नोट एंड एक्स नंबर ऑफ 10 रुपी नोट। अगर 1 रुपए के नोट अगर एक्स नंबर्स में है तो उसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 1 × x, यानी कि x प्लस 5 रुपए के नोट की जो टोटल वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 5 × x, 10 रुपए के नोटों की टोटल वैल्यू हो जाएगी 10 × x और कुल वैल्यू बराबर हो जाएगी 480 की। तो दिस विल बी 10, 5, 15 एंड 60। यानी कि 30। एक, 5 और 10 रुपए के नोटों की जो संख्या है दैट विल बी 30। अब तीनों की संख्या कितनी होगी दैट विल बी इक्वल टू 3x, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स यानी कि 9। क्योंकि तीनों की जो संख्या है जो नंबर है दैट अपर दैट वर इक्वल, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ऑप्शनल मेथड से कैसे कर सकते हो कि भाई आपको पता है तीन तरह के नोट है, तीनों की जो संख्या बराबर है। अब लेट्स से देयर वर 45 नोट्स, टोटल कुल मिला के 45 नोट्स हैं। अब 45 नोट्स को तीन इक्वल पार्ट में बांट देते हैं, यानी कि 15, 15 एंड 15। ठीक है, 45 नोट्स को अगर 15, 15, 15 इक्वल पार्ट्स में बांट दोगे तो 15 10 रुपए के नोट, 15 5 रुपए के नोट्स, 15 1 रुपए के नोट, या कुल मिला के 480 रुपीज बन जाएंगे। अगर बन जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आगे चलते हैं। दिस विल बी 150, दिस विल बी 75, दिस विल बी 15। ये कुल मिला के 480 के बराबर नहीं होगा। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। हमको लगता है भाई ये तो बहुत पीछे रह गया, ये तो 480 है, ये तो बहुत 200 कुछ ही हो रहा है। तो काम करते हैं लास्ट वाले ऑप्शन से ट्राई करते हैं, यानी कि सबसे बड़े से। तो 90 को हम तीन इक्वल पार्ट में अगर बांटें, दिस विल बी 30 × 30 × 30। 30 नोट है 10 रुपए के तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 300 रुपए। 30 नोट है 5 रुपए के, 150। 30 नोट है 1 रुपए के, इसकी वैल्यू हो जाएगी 30। पूरे मिला के आ रहा भाई 480। तो एक ऑप्शनल मेथड भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन का ये, दिस इज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर हो गया? ओके, what we have to find, we have to find the net loss or gain percent, जो net gain और loss हुआ है वो हमको बता।
क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। देखो, कह रहा पर्सन सेल्स टू ऑब्जेक्ट एट ₹1,035 ईच। कहने का क्या मतलब है, एक पर्सन है किसी ऑब्जेक्ट को 1,035 रुपीज ईच, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट को कितने रुपए में बेच देता है। ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ही सफर्स अ लॉस ऑफ 10%, पहले वाले ऑब्जेक्ट में उसको 10% का लॉस होता है। वाइल ऑन द सेकेंड ही गेन्स 15%, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में उसको 15% का गेन होता है। वट इज हिज नेट लॉस और गेन परसेंट, वी हैव टू फाइंड द नेट लॉस और गेन, क्या उसे लॉस हुआ है या गेन हुआ है हमको बताना। ऑप्शन नंबर टू। ओके, चलिए लेट्स से देर आर टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। नाउ कह रहा है भाई दोनों को कितने में बेचा है, 1,035 रुपए में दोनों को बेच दिया। पहले वाले ऑब्जेक्ट में उसे 10% का लॉस होता है, फर्स्ट वाले में उसको 10% का लॉस होता है। एक काम करते हैं, अगर मैं मान लेता हूं कि भाई अगर यहाँ पे इसको 1,035 में इसको बेच रहा है, पहले उसको 10% का लॉस हो रहा है, फिर उसके बाद 15% का उसको गेन हो रहा है। वी हैव टू फाइंड द नेट लॉस और गेन परसेंट। वी नो दैट द सेलिंग प्राइस जो है हमारा दैट इज 1,035, तो क्या मुझे 1,035 सेलिंग प्राइस लेने की जरूरत है, क्या मुझे इसको नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए इसकी वैल्यू को जो दे रखी है, क्या इसी वैल्यू को लेने की जरूरत है। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं, क्योंकि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है कि भाई हमसे कहता है सेलिंग प्राइस आर सेम, एक काम हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे अगर 10% का हमको लॉस हो रहा है और यहाँ पे 15% का हमको गेन हो रहा है, तो लेट से द सेलिंग प्राइस कुछ है, यहाँ पे 100 सेलिंग प्राइस है और 100 ही इसका कॉस्ट प्राइस है। बात समझ में आ रही है, तो दोनों को 100 मान लेते हैं और लेट से द कॉस्ट प्राइस इज एक्स एन वाई। अब इससे थोड़ा कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। देखो अगर एक्स पे 10% का लॉस होता है तब यहाँ पे 100 रुपये इसका सेलिंग प्राइस होता है, वाई पे 15% का जब इसे गेन होता है तब उसको 100 सेलिंग प्राइस होता है। नाउ अगर 10% का लॉस है, यानी कि 10% क्या हो गया, लॉस हो चुका है, बाकी का 90% तो उसको पैसा मिलेगा ना, 10% लॉस हो भी गया, बाकी का 90% जो पैसा है वो उसको मिलना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू इट्स सेलिंग प्राइस। तो दिस विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट, ऑप्शन नंबर वन। ओके, वाई के बारे में अगर बात करें तो 15% का अगर उसको गेन हुआ है, अगर उसको 15% का गेन हुआ है तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, दैट विल बी 115% ऑफ दिस वैल्यू। इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है कि भाई 115 क्यों ले रहा हूं मैं, तो दिस विल बी राइट। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेटर पार्ट यहाँ पे रहेगा, इस तरह से इसको कर सकते हो। ठीक है, सो दिस विल बी 200 एंड द टोटल कॉस्ट प्राइसेस दोनों को भाई प्लस कर दो एलसीएम लेके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट। तो यू हैव वन फॉर्मूला फॉर दैट, आपके पास एक फॉर्मूला है इसके लिए टू कैलकुलेट द गेन और लॉस। इट इज गेन डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू टू, राइट। भाई कितना है देख लो एक बार, दिस इज 5,4
जीरो 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 अपॉन जीरो अपॉन द फर्स्ट प्राइस इंटू थ्री। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, इट इज ऑप्शन नंबर टू ओके, यानी कि द गेन इज लेस देन 1%, इट इज द गेन इज लेस देन 1% ओके। और बताइए भाई अपने अपने आंसर। देखो नो लॉस एंड नो गेन तो नहीं होगा वो तो ठीक है, बाकी या तो ऑप्शन नंबर 1 या 2 या 3 इसमें से ही एक आंसर तो कैलकुलेट करें और मुझे बताएं व्हाट शुड बी द राइट आंसर। अगर से हम कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा, देखो दिस इज 54000 डिवाइडेड बाय 207, तो दिस इज समवेयर 260 माइनस 2, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर बताना है एग्जैक्टली नहीं, ये आ रहा है समथिंग लाइक कितना आ रहा है बताइए। देखो मैंने क्या किया जरा ध्यान से फिर से देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैंने क्या किया, अगर बात करते हैं इसकी सेलिंग प्राइस की, हम इसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस है दोनों ऑब्जेक्ट का वो सेम, तो मैंने क्या करा सेलिंग प्राइस को इसको इक्वल बना, यानी कि लेट से द सेलिंग प्राइस 100 एंड 100। नाउ पहले वाले ऑब्जेक्ट में हमको 10% का लॉस देखने पर मिल रहा है और सेकेंड ऑब्जेक्ट पर हमको 15% का गेन हो रहा है, तो इसके कॉस्ट प्राइस को एक्स और वाई अगर मैंने माना तो सबसे पहले मैंने एक्स का 90% निकाला क्योंकि यहाँ पे 10% लॉस हो रहा है, बाकी का 90% हमको यहाँ पे पैसा वापस मिल जाएगा, यानी एक्स का 90% दैट विल बी इक्वल टू 100। तो यहाँ से हमने देखा भाई कॉस्ट प्राइस निकल के आ रहा है इतना, नेक्स्ट हमने देखा भाई वाई है यानी कि 15% का यहाँ पे गेन है, अगर 15% का गेन है इसका मतलब यू हैव टू कैलकुलेट 115%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा मैंने हमेशा आपको बताया कि भाई कॉस्ट प्राइस ऑलवेज 100%, कॉस्ट प्राइस हमेशा खुद में 100% होता है, दैट्स वाई वाई का 115% निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू दी 100, यहां से आपका जो वैल्यू निकल के आया दैट इज 2000 अपॉन 20, यानी कि यहां से आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आया। हमसे कह रहे जो ओवरऑल परसेंटेज लॉस और गेन है वी हैव टू कैलकुलेट दैट, हमने क्या किया टोटल सेलिंग प्राइस दैट इज 200 एंड द टोटल कॉस्ट प्राइस दैट इज 1000/9 प्लस 2000/23, इसको हमने ऐड किया एंड वी विल गेट दिस वैल्यू। एलसीएम लिया सिंपल 23 एंड 9 का एलसीएम लिया कितना 23 × 9 एंड दिस इज 23 × 1000 एंड दिस इज 9 × 2000 तो दिस इज यहां पे कुछ हमने प्लस में गड़बड़ किया है जस्ट अ सेकंड ओके जस्ट अ सेकंड गाइस दिस शुड बी 41000 ओके ओके तो दिस विल बी 41000 इसको जरा कैलकुलेट करें और मुझे बताएं व्हाट शुड बी द आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक था तो दिस विल बी 41000 माइनस 400 एग्जैक्ट वैल्यू आपको कैलकुलेट नहीं करना है टू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो 400/410 बना रहा है जो कि आपका अब 1 से लेस होगा, दिस वैल्यू विल बी लेस देन 1%
जरा ध्यान से देखो इसको। हाँ क्योंकि आपका दिस इज योर एस पी एंड दिस इज योर पी। जरा इस कैलकुलेशन को जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ समझ में आ रही है बात। ये चीज समझ में आ रही है बताइए। सिंपल मैंने आपको फॉर्मूला लगाया है, दिस इज फॉर्मूला फॉर लॉस परसेंट। ये आपका है टोटल कॉस्ट प्राइस और ये है आपका सेलिंग प्राइस। यहाँ पे आपका जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज सीपी, दैट इज 41000 अपॉन दिस वैल्यू 207, ठीक है। यानी कि आपको लॉस हो रहा है वो भी किसका, लेस देन 1%। क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी ही नहीं है, वी डोंट हैव टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, बस आपको ये बताना है कि ये जो वैल्यू है वन से कम आएगा या वन से ज्यादा आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया और कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कैलकुलेशन फोबिया होता है, तो कैलकुलेशन जहाँ पे आ जाता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाती है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा मैनेज करने का, थोड़ा सा कमांड करने का यही तरीका है कि थोड़े से मैथमेटिकल जो पार्ट होता है आपका प्रॉफिट लॉस सिंपल इन कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज के क्वेश्चन इसको करने नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कैलकुलेशन आपको करने को मिलेगा। तो टाइम के साथ साथ वो धीरे धीरे चीज़ें फिर डर जो है ख़त्म हो जाएगा। एस पी तो सी पी से ज़्यादा है, देखो ये जो वैल्यू अभी निकल के आ रही है ना, ये वाली जो वैल्यू निकल के आ रही है आपकी ज़्यादा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपकी ज़्यादा है। सी पी इज ग्रेटर देन द एस पी, सी पी इज ग्रेटर देन एस पी। अगर एक बार आप कैलकुलेट करोगे ना, देखो अब मैं बताता हूँ, मैं वैल्यू आपको बता दूँगा। 41000 डिवाइडेड बाई 207, ये निकल के आ रहा है 198। यहाँ से कॉस्ट प्राइस का जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली निकल के आ रहा है 198। देखिए मेरा सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है 200। दैट्स वाई सी पी स्मॉलर देन, यहाँ पे सी पी मेरा क्या है कम है और मेरा सेलिंग प्राइस क्या है ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि दिस शुड बी गेन, दिस शुड बी गेन, यहाँ पे गेन होना चाहिए 10 सेकेंड, अभी गेन ही तो लिखा था मैंने, 1 सेकेंड, दिस शुड बी गेन, ठीक है। ये आपका गेन होना चाहिए। गेन क्या होता है मैं यहाँ पे बता देता हूँ 1 सेकेंड, कोई इसमें गेन इज सेलिंग प्राइस जब आपका बड़ा होता है, व्हेन सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस इन एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इन 200। एंड लॉस परसेंट इज वॉट, लॉस परसेंट इज सी पी जब आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, देन यू हैव, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखें, समझ में आ गई बात। आपका जब गेन तब होगा जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, और लॉस तब होगा जब आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा। फॉर एग्जांपल ऐसे मैं कुछ मार्केट से सामान खरीद के लाता हूँ 100 रुपये का, और उसको मैं फर्दर बेचता हूँ, आते मैं उसको बेचूंगा, अगर 100 रुपये से ज़्यादा मैं बेच पाऊंगा तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, 100 रुपये से अगर मैं कम में बेच पाऊंगा तो मुझे यहाँ पे लॉस हो जाएगा। इसलिए जो कॉस्ट प्राइस है दैट शुड बी लेस देन द सेलिंग प्राइस, तभी हमको यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ वहाँ पे हमारा सी पी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए
We have to find the ratio of the number of rabbits in B to A after 2 years. ठीक है, तो B to A का हमको रेशियो निकालना है 2 साल बाद। क्या आंसर आ रहा है बताइए। व्हाट इज द आंसर? देखो हमसे कह रहे हैं द रैबिट पॉपुलेशन इन अ कम्युनिटी ए इंक्रीज बाय 25% पर ईयर व्हाइल इन कम्युनिटी बी इंक्रीज एट 50% पर ईयर रेस्पेक्टिवली। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, यानी कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है ए और बी की वो बराबर है, लेकिन ए की जो पॉपुलेशन है और जो बी की पॉपुलेशन है दोनों इक्वल। अब कह रहे थे रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रैबिट्स इन बी टू ए आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल के बाद बी और ए की जो पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो हमको बताना। देखो बी की पॉपुलेशन और ए की पॉपुलेशन का रेशियो हमको बताना है, और हमको पता है जो करेंट पॉपुलेशन है दोनों की सेम, दोनों की जो करेंट पॉपुलेशन है दैट आर इक्वल। लेट्स से एक्स और एक्स मान लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, ओके लेट्स चेक। अब कह रहे हैं द रैबिट पॉपुलेशन ऑन कम्युनिटी ए इंक्रीजेस बाय 25% पर ईयर, इन कम्युनिटी बी इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 50% पर ईयर रेस्पेक्टिवली। नाउ अगर मैं बात करूं भाई 2 साल बाद की, 2 साल बाद की अगर बात करूं तो प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर एक्स एक्स है दोनों की, अगर 50% से इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है दैट मीन्स 150%, 150% इसकी नई पॉपुलेशन हो जाएगी, या पुरानी पॉपुलेशन एक्स है। यहाँ पे 25% से इंक्रीज हो रही है तो द न्यू पॉपुलेशन विल बी 125%। उसके बाद अगले साल भी 150% से इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 150% अगेन, और यहाँ पे 125%। यहां से आप इसका रेशियो निकाल सकते हो आसानी से, तो दिस विल बी 25, 5 टाइम्स 6 टाइम्स, 5 टाइम्स 6 टाइम्स, दिस विल बी 36, दिस विल बी 25। क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि हमें पॉइंट्स में पूछा गया है, हमको डेसिमल में पूछा गया है, तो दिस विल बी 25 25, यानी कि 11, 2 times 100, and this will be 5 times, yani ki 1.25. That should be option number 4. That should be by option number 4. Option number 1 आ रहा है क्या? ये बस वो सही से calculate करो, divide करो, देखो क्या आ रहा है। आपको क्या कह रहा है, कम्युनिटी बी की बात कर रहा है 50% इंक्रीमेंट हो रहा है, और कम्युनिटी ए में 25% से, दिस विल बी 2.4 होगा ना, दिस विल बी 2.4 राइट। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, 1 1, ठीक है 4 हो जाएगा, ठीक है राइट। आज कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो रहा है मुझसे, थोड़ा सा देख लेना। 1.44 है वो बेसिक कैलकुलेशन,
करेक्ट राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन पॉइंट फोर फोर विल बी द राइट आंसर, ठीक है। वन ही तो आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है। 36 / 25 है ना। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा देख लेना कि पहले रेशियो किसका पूछ रहा है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया बी टू ए। कभी कभी हम क्या करते हैं, ए रेशियो भी निकाल लेते हैं इस तरह से, और उसका भी ऑप्शन में आपको आंसर दिख जाता है। जल्दीबाजी में गलत हो सकता है, उसके पूरे चांसेस। तो दिस वॉज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो। नाउ अब आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो समझ के करिए इसको। We have to find the annual income. क्योंकि annual income है वो कितना। देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ पर्सन पेड इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ आर परसेंट फॉर द फर्स्ट रुपीज 2 लाख, यानी कि पहले के जो 2 लाख रुपए हैं उस पर आर परसेंट के रेट से यहाँ पे इनकम टैक्स पड़ता है। एंड एट द रेट ऑफ आर प्लस 10% फॉर द इनकम बियॉन्ड रुपीज 2 लाख, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा के जितना पैसा होगा, जैसे कि 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख में से जो शुरू के 2 लाख रुपए हैं उस पर आर परसेंट के रेट से इनकम टैक्स लग रहा है। बाकी का जो पैसा है 3 लाख रुपए उस पर आर प्लस 10% के रेट से इनकम टैक्स लग रहा है। इफ द टोटल टैक्स पेड इज रुपीज आर प्लस 5%, ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है दैट इज आर प्लस 5% ऑफ द एनुअल इनकम, देन व्हाट इज द एनुअल इनकम, हमको एनुअल इनकम बताना है। वी हैव टू कैलकुलेट द एनुअल इनकम। चलिए एक काम करते हैं, एनुअल इनकम को कुछ मान लेते हैं। लेट्स से द एनुअल इनकम इज एक्स। सबसे पहले एक्स रुपीज पे आर परसेंट का जो इनकम टैक्स लग रहा है, क्योंकि एक्स रुपीज यहाँ पे टोटल इनकम है, उसमें से शुरू के जो 2 लाख रुपए हैं, एक्स में से जो 2 लाख रुपए हैं इस पे जो इनकम टैक्स लगेगा दैट विल बी आर परसेंट। बाकी का जो पैसा है दैट इज एक्स माइनस 2 लाख, कुल जो इनकम है दैट इज एक्स लाख। एक्स लाख में से 2 लाख रुपए पे आर परसेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, बाकी के जो पैसा है उस पे आर प्लस 10% के रेट से यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। देखो 2 लाख रुपए की अगर मैं बात करूँ तो 2 लाख पे आर परसेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, प्लस बाकी का पैसा एक्स माइनस 2, इस पे आर प्लस 10 का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है,
कुल मिला के जो एक्स रुपीस है, एक्स लाख रुपीस है, उस पे आर प्लस 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। यही तो इक्वेशन होगा। दिस इज फॉर 2 लैक्स, दिस इज फॉर एक्स माइनस 2 लैक्स एंड दिस इज फॉर टोटल इनकम। ऑप्शन नंबर 3। ओके नाउ, अब इसको आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। काम करें, जो डिनोमिनेटर में एक्स 100 दिख रहा है ना, यहाँ से 100 कॉमन ले लेते हैं और इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। नाउ वी हैव 2R प्लस एक्स आर वी हैव एक्स आर प्लस 10x माइनस 2R माइनस 20, दैट विल बी इक्वल टू एक्स आर प्लस 5x। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स आर और एक्स आर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या भाई? 2R और 2R भी कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव 10x माइनस 5x, यानी 5x दैट विल बी इक्वल टू 20। तो दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 4। यानी कि उसकी जो इनकम थी भाई वो कितनी थी? दैट वाज 4, 4 लाख। अगर यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने को बोलेगा वो भी हम निकाल सकते हैं। कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस और नो? ठीक है, एक बार देख लो भाई फुल स्क्रीन पे, कोई दिक्कत समस्या हो तो बता। ठीक है, तो दीज वर द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थे आपके। अब ये क्वेश्चन आपको एक करना, ये वाला सवाल आपको करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर करना। तो डेली मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर दूंगा, आई विल गिव यू अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन पजल है पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम दी प्रोबेबिलिटी। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ, और आप लोग यहाँ पे आ जाइए 11 बजे लाइव, और हम यहाँ पे डेली नए क्वेश्चंस करने वाले हैं, और साथ ही साथ जो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी मैं यहाँ पे क्लियर करता रहूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। और आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाए।